वर्तिका शो में स्वागत है आप सभी का। और आज वर्तिका यहाँ पे जो आपको सिखाने जा रही है वो है हल्दी और मटर की जोधपुरी स्टाइल की शानदार सब्जी, जिसे बनाएंगी चिताली शर्मा। सबसे पहले स्वागत करेंगे चिताली का, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जरूर करूँगी कि रेसिपी अच्छी लगती है आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए चिताली जी वेट कर रही है और हम सीखेंगे हल्दी और मटर की खूबसूरत सी सब्जी। वर्तिका जी, आज हम सबसे पहले हल्दी मटर की सब्जी बनाएंगे जो जोधपुर की स्पेशलिटी है। जी वर्तिका, पहले हम एक कढ़ाई में घी ले लेंगे। वर्तिका, पहले हम साबुत गरम मसाले ले लेंगे। साबुत गरम मसाले में हमने बेसिकली तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी लिया है। ठीक है, इसको हम घी में डालेंगे। वर्तिका, ये अपना साबुत गरम मसाला इसके अंदर तड़क गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। ठीक है, लहसुन के साथ ही अपन इसमें थोड़ी सी कतरी हुई, छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई अदरक भी डाल देंगे। अब इसमें हम साथ ही हल्दी भी डाल देंगे। ये हमने हल्दी को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है, अच्छे से साफ करके, क्लीन करके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम बना रहे हैं हल्दी मटर की सब्जी। वर्तिका, ये हल्दी देखो हमारी थोड़ी पक गई है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा सा नमक। ठीक है, इसके अंदर हम हल्दी बिल्कुल नहीं डालेंगे बेसिकली, क्योंकि हल्दी की सब्जी है ये। तो हल्दी ने घी छोड़ दिया वर्तिका। अब इसके अंदर हम दही मिला लेंगे। इसमें दही भी अच्छी क्वांटिटी में डाला जाएगा। देखो वर्तिका कितना अच्छा कलर आ गया है हल्दी और मिर्च का। दही डालते समय बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि दही के पूरे पूरे चांसेस होते हैं फटने के, तो दही फटना नहीं चाहिए। उस समय जो गैस है उसको एकदम स्लो कर लीजिए। जैसे ही आप दही उसमें डाल रहे हैं आप उसको कंटिन्यू हिलाना शुरू कर दीजिए स्पीड से, और जब उसमें उबाल आ जाए, जब आपको लगे, तब आप उसको छोड़ सकते हैं। वर्तिका देखो अभी ग्रेवी पक गई है ऑलमोस्ट। हाँ, अब इसके अंदर मटर ऐड कर लेंगे। और ये मटर आपने बॉईल कर रखे हैं? मैंने मटर को हल्का सा पार बॉईल किया है, जिससे कि ये सब्जी अपनी रेडी हो चुकी है। तो अपन इसके अंदर मटर बॉईल किए हुए डालेंगे तो ये जल्दी से रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपने मटर को लास्ट में डाला है। ठीक है, पहले डालते तो मटर का सारा कलर चला जाता है हल्दी के साथ। अच्छा, तो अभी अपन को सब्जी के अंदर एटलीस्ट मटर का कलर दिखेगा। हमने इसको हल्का सा पार बॉईल किया। ठीक है, हल्दी मटर की जोधपुरी सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका एक तो कलर आया है, साथ में इसमें ये भी चीज़ है कि जैसे हमने इसमें मटर डाले हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वर्तिका हमें सिर्फ मटर नहीं खाना है, हमें सिर्फ हल्दी की ही बनानी है, तो आप इसको प्योरली सेम तरीके से हल्दी की भी बना सकते हैं, और इस तरह से हल्दी और मटर की सब्ज़ी भी बनती है। तो जैसे जैसे हमने बनाया है आप इसी तरह से इसको बनाइएगा घर के अंदर, और आराम से आप इसको यूज़ करें। अगर आप खाएंगे भी तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। और जो इसकी बात है, दो तीन जो चीज़ें हैं आप उनको नोट डाउन करके रख लीजिए। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिंजर कैंडी। अदरक को बहुत सारे तरीके से खाया जाता है, जब भी खांसी होती है, ज़ुकाम होती है, बोला जाता है कि अदरक शहद खाइए, अदरक को आप किसी भी तरीके से लीजिए, लेकिन हमने उसको रूपी कैंडी का दे दिया है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि अदरक खानी है तो आप छोटी सी कैंडी खा लीजिए, तो कैंडी की कैंडी, अदरक की अदरक, और स्वाद के साथ, है ना, ये बहुत ही अच्छी सी सेहत। तो चलिए चिताली जो है रेडी है और हम सीखते हैं कि ये जिंजर कैंडी कैसे बनने जा रही है। और इसके लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। ठीक है, ओनली 1 स्पून हमने घी लिया है। वर्तिका, ये हमने अदरक ले ली है, 100 ग्राम हमने अदरक ली थी, उसका हमने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध डाल के, जिससे अच्छा। कि इसका एक बारीक पेस्ट बन जाए। इसको हमने इस घी के अंदर डाल देंगे।
और इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको हिलाएंगे, जिससे इसके हल्का सा कच्चापन कम हो जाए। अब आगे क्या करना है ये देख लेते हैं। वर्तिका, इसमें से देखो अब थोड़ी सी हल्की हल्की स्मेल आने लगी है अदरक की। अब इसके अंदर हमने 100 ग्राम अदरक ली थी पिसी हुई, तो हम इसके अंदर अप्रॉक्स 150 ग्राम शुगर डाल देंगे। ओके, यानी कि शुगर ज़्यादा ही है। हाँ, शुगर ज़्यादा डलेगी इसके अंदर, क्योंकि अदरक इतनी तीखी होती है, हम इसको वैसे नहीं खा सकते फिर। अच्छा वर्तिका, इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला देंगे, और इसमें किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलायची से क्या थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। बस अब हम इसको जमा देते हैं। ऑलरेडी प्लेट अपन ने ग्रीस करके रखी हुई थी ये। जी, जिंजर कैंडी को रख दिया है सेट होने के लिए। बहुत जल्दी वो सेट हो जाती है। उसके ऊपर कुछ कट्स लगा दिए हैं ताकि जिस समय आप उसको रिमूव करें तो वो इजीली उन्हीं उसी शेप के साथ वो रिमूव हो जाए। और तब तक हम बनाते हैं यहाँ पे गोल्डन मिल्क। 1 कप मिल्क ले लिया है, इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। वर्तिका, हमने ये हल्दी को इस पर पीस के रख लिया है, हल्दी का पेस्ट बना लिया है। प्लेन सिंपल पानी डाल के थोड़ा सा 1 कप दूध के अंदर अप्रॉक्स 1 टीस्पून हल्दी की अपन को ज़रूरत होगी। 1 कप दूध के अंदर 1 टीस्पून पेस्ट हल्दी का पेस्ट। और ये पेस्ट आपने कैसे बनाया है? कच्ची हल्दी का हमने सिंपली मिक्सी में डाला इसका। अच्छा, और पीसेस करके और थोड़ा सा पानी डाल के इसका ये पेस्ट बना लिया है। ओके, 1 कप मिल्क के अंदर अपन को 1 टीस्पून पेस्ट की ज़रूरत होगी। ओके वर्तिका, ये दूध अपना बॉयल होने लगा है, अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, ये हल्दी का पेस्ट। ठीक है, और इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून शुगर भी डाल देंगे। शुगर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 2 चुटकी इसके अंदर दालचीनी पाउडर डाल देंगे। तो हम बस एक बॉइल दे लेंगे। हाँ। दूध हमारा ऑलरेडी बॉइल्ड था एक बार। ठीक है, वर्तिका, इसके अंदर भी हम ऊपर से थोड़ा सा सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। ओके, एंड ये हमारा हल्दी वाला दूध गोल्डन मिल्क रेडी है। ठीक है, सेहतमंद जिंजर कैंडी और गोल्डन मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चीज़ों को आप यूज़ करिए जो हमने आपको सिखाई है, और फिर देखिए कि आपकी जो सर्दी है वो खुशनुमा सर्दी होगी, ना कि जुकाम से भरी हुई सर्दी। वो किसको अच्छी लगेगी? तो अपनी सर्दी को बनाए खुशनुमा हमारे इस एपिसोड के साथ, और हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।